नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनमोहन। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा IC555 टाइमर से बने हुए एक LED ब्लिंकिंग सर्किट के बारे में। LED ब्लिंकिंग सर्किट का प्रैक्टिकल यूज़ कर सकते हैं कहीं डेकोरेशन के लिए, कहीं अलार्म सिस्टम के लिए या कहीं इंडिकेटर बनाने के लिए। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स हैंग्स ऑन। दोस्तों, जिन कंपोनेंट्स की हमें इस एक्सपेरिमेंट में आवश्यकता होगी वो कुछ इस प्रकार है। हमें चाहिए एक IC555 टाइमर और एक चाहिएगा हमें कैपेसिटर जिसकी वैल्यू है 100 mF। ये इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है और हमें आवश्यकता रहेगी दो रेसिस्टर्स की जिनकी वैल्यू होनी चाहिए 1 kΩ, और एक मोबाइल की बैटरी अगर हमें मिल जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। और मोबाइल की बैटरी जो है ये 3.7 वोल्ट की होती है, और आप पुरानी मोबाइल की बैटरी जिसमें थोड़ा चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी हो वो बैटरी को रीयूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, जिस आईसी का हम यूज़ करने वाले हैं सर्किट में, ये वन ऑफ माय फेवरेट आईसी है, IC555 टाइमर। तो मैं आपको एक क्विक इंट्रोडक्शन दूंगा इसके पिन कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, जो इस प्रकार है। पिन नंबर 1 जो कि ग्राउंड की पिन है, ग्राउंड पे हम नेगेटिव वोल्टेज देंगे बैटरी से। पिन नंबर 2 जो ट्रिगर की पिन है, ट्रिगर से आप समझ लीजिए ये आईसी का इनपुट है, हम हाई या लो इनपुट जो है वो इस पिन से देंगे। पिन नंबर 3 जो कि आउटपुट की पिन है, हमें जो भी आउटपुट लेना है वो इसी पिन से लिया जाएगा। पिन नंबर 4 जो कि रिसेट की पिन है, और ये रिसेट की पिन कनेक्टेड रहेगी पिन नंबर 8 से, जहाँ पे हम पॉजिटिव वोल्ट देंगे। पिन नंबर 5 जो कि वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज की पिन है, कंट्रोल वोल्टेज की पिन जो है इस सर्किट में यूज़ नहीं की जाएगी, इसलिए ये नॉट कनेक्टेड रहेगी। पिन नंबर 6 जो कि थ्रेशोल्ड की पिन है, थ्रेशोल्ड की पिन। पिन नंबर 7 जो डिस्चार्ज की पिन है, और पिन नंबर 8 जो पॉजिटिव सप्लाई की पिन है, यहाँ पर हम बैटरी से प्लस वोल्टेज देंगे। आइए दोस्तों, नेक्स्ट लेवल पर चलते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कौन कौन से कंपोनेंट कौन कौन सी पिन पे कनेक्ट होंगे और किस तरह से कनेक्ट होंगे, आइए देखते हैं। दोस्तों, आइए मैं आपको पूरा सर्किट बना के दिखा देता हूँ यहाँ पर ग्राफिकल सिंबल की मदद से। हमने एक रजिस्टर लगाया है आईसी की पिन नंबर 8 पर, 1K का रजिस्टर है ये, और एक और 1K का रजिस्टर हमें लगाना है आईसी की पिन नंबर 6 पर जो कि थ्रेशोल्ड की पिन है, और बाकी बचे हुए दोनों सिरों को हम आपस में जोड़ देंगे इस प्रकार से, और इनको वापस हमें जोड़ देना है आईसी की पिन नंबर 7 पर इस प्रकार से। दोस्तों, इसके बाद अगला कंपोनेंट जो हम लगाने वाले हैं वो है कैपेसिटर। कैपेसिटर एक इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है, मतलब इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव सिरे हैं। इसके नेगेटिव सिरे को हम आईसी के नेगेटिव सिरे मतलब ग्राउंड पिन से जोड़ देंगे पिन नंबर 1 से, और पॉजिटिव सिरे को हम पिन नंबर 2 से जोड़ देंगे जो कि ट्रिगर की पिन है, इस तरह से। अब हम बैटरी को प्लेस करेंगे एक सर्किट में, हमें कहाँ लगानी है ये इस तरह से यहाँ प्लेस की है हमने, इसको कनेक्शन थोड़ी देर से करेंगे। अब एलईडी को हम प्लेस कर देते हैं पिन नंबर 3 और 4 के बीच में। पिन नंबर 3 हमारी आउटपुट की पिन है, आउटपुट की पिन से हम नेगेटिव सिरे को एलईडी के नेगेटिव सिरे को कनेक्ट कर देते हैं, और पिन नंबर 4 से हम एलईडी के पॉजिटिव सिरे को कनेक्ट कर देते हैं। अब थोड़ी सी वायरिंग और शेष रह जाती है जो कि इस प्रकार से रहेगी। पिन नंबर 4 रिसेट की पिन को एक्सटेंड करके हम कनेक्ट करेंगे वोल्टेज की पिन से VCC पॉजिटिव सिरे से, आईसी के पॉजिटिव सिरे से हम इसे कनेक्ट करने वाले हैं इस प्रकार से। इस वायर को एक्सटेंड करके पिन नंबर 4 को हम कनेक्ट करेंगे पिन नंबर 8 से, पिन नंबर 8 जहां पर हम बैटरी से पॉजिटिव वोल्टेज देंगे, तो बैटरी से भी इसे हम कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, पिन नंबर 1 जो ग्राउंड की पिन है, तो इसे हम एक्सटेंड करके बैटरी के नेगेटिव सिरे से कनेक्ट कर देते हैं इस प्रकार। और अब केवल एक वायर और कनेक्ट करना रहेगा हमें आईसी की पिन नंबर 6 जो कि थ्रेशोल्ड की पिन है, इसको हम कनेक्ट करेंगे आईसी की पिन नंबर 2 से जो कि ट्रिगर की पिन है, जो पे हमें कैपेसिटर लगा हुआ है। ये वायर आपस में कनेक्टेड नहीं है, इसलिए मैंने ये बीच में जम्पर लगाया है, तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा। ये जो मैंने जम्पर लगाया है मतलब ये इस वायर से टच नहीं हो रहा है। तो हमने पिन नंबर 6 को पिन नंबर 2 से कनेक्ट कर दिया है जहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है, और इस तरह से हमने सर्किट पूरा कंप्लीट कर दिया है। तो ये है ब्रेडबोर्ड, और ब्रेडबोर्ड पे हमने लगाई है IC555 टाइमर। ये 8 पिन की एक छोटी आईसी है, इसमें पिन नंबर 1 जो है इस तरह से देखा जाता है। एक कट को अगर हम लेफ्ट में रखते हैं तो जो नीचे की तरफ पिन होती है ये पिन नंबर 1 होती है, पिन नंबर 1, 2, 3, 4, और ये पिन नंबर 5, 6, 7 और पिन नंबर 8।
पिन कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको इससे पहले बता चुका हूँ, और ब्रेडबोर्ड में मैं आपको बताता हूँ अगर हम कोई आईसी को इस तरह से लगाते हैं तो ये सारे पॉइंट्स जो है ये आपस में कनेक्टेड होंगे इस पिन से, ये सारे पॉइंट्स कनेक्टेड है इस पिन से ये सारे पॉइंट, और उसी प्रकार इस पिन से ये सारे पॉइंट्स, और पिन नंबर एक से ये सारे कनेक्टेड रहेंगे, पिन नंबर टू से ये सारे, पिन नंबर थ्री, पिन नंबर फोर, इस प्रकार से ब्रेडबोर्ड का कनेक्शन इस प्रकार से होता है। तो अब मैं यहाँ पर आपको कनेक्ट करने वाला हूँ आईसी की पिन्स को अकॉर्डिंग टू सर्किट डायग्राम। तो सर्किट डायग्राम के हिसाब से मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ कौन से पिन पर हमने क्या कनेक्शन किया है। सबसे पहले दोस्तों हमने जोड़ा था रेसिस्टर को, रेसिस्टर जिसमें कोई पोलरिटी नहीं होती है, इसको हमने जोड़ा था पिन नंबर 8 पर। पिन नंबर 7 और 8 के बीच में हमें इसे कनेक्ट करना है, जो कि इस प्रकार से हम कनेक्ट कर सकते हैं, ये पिन नंबर 7 और 8 से ये कनेक्ट हो चुका है। और अब दूसरा रजिस्टर जो था पिन नंबर 6 और 7 के बीच में था, इस प्रकार से ये एक रजिस्टर है और इसको हम यहां पर कनेक्ट कर रहे हैं। पिन नंबर 6 और 7 के बीच में ये रजिस्टर कनेक्ट हो चुका है। अगला कंपोनेंट जो हमें कनेक्ट करना है वो इस प्रकार से होगा, हमें एक इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है जिसकी वैल्यू है 220 माइक्रोफैराड्स, इसे हमें कनेक्ट करना है यहाँ पर पिन नंबर 1 और पिन नंबर 2 के बीच में। लेकिन दोस्तों इसमें ध्यान रखिए कि इसमें पोलरिटी होती है, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है, तो नेगेटिव टर्मिनल को हमें पिन नंबर 2 पे कनेक्ट करना है, सॉरी 1 पे कनेक्ट करना है, इस प्रकार से ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये पिन नंबर 1 पर कनेक्टेड है। नेक्स्ट जो हमें करनी है कनेक्शन वो इस प्रकार से है। तो दोस्तों अब मैं सर्किट में एक एलईडी लगा देता हूँ। एलईडी किस तरह से लगेगी सर्किट डायग्राम में आप देख सकते हैं, एलईडी का नेगेटिव सिरा जो है आईसी की पिन नंबर 3 पर होना चाहिए और पॉजिटिव सिरा आईसी की पिन नंबर 4 पर। एक और बार मैं एलईडी आपको निकाल के दिखा देता हूँ, ये हमारी एलईडी है, एलईडी की छोटी पिन जो नेगेटिव सिरा है इसे पिन नंबर 3 पर, और बड़ी पिन जो कि पॉजिटिव सिरा है इसे पिन नंबर 4 पर। तो दोस्तों इस तरह से हमने सारे कंपोनेंट सर्किट में लगा दिए हैं। अब हमें केवल दो कनेक्शन और करना है जो कि हम दो वायर की मदद से कर लेंगे। सबसे पहला कनेक्शन जो अब हम करेंगे वो रहेगा पिन नंबर 4 को पिन नंबर 8 से कनेक्ट करना है आईसी की। तो मैंने एक वायर लिया है हाथ में और एक सिरा में लगा देता हूँ इस सर्किट में पिन नंबर 4 पर, और इसी वायर का दूसरा सिरा में अब लगाऊंगा आईसी की पिन नंबर 8 पर, पिन नंबर 8 जो कि पॉजिटिव सिरे की पिन है, यहाँ पर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट होगा। एक कनेक्शन ये हो गया। दूसरे कनेक्शन के लिए मैं एक और वायर लूंगा और उस वायर से मैं कनेक्ट करूंगा आईसी की पिन नंबर 2 को आईसी की पिन नंबर 6 से, जो कि थ्रेशोल्ड की पिन है। आईसी की पिन नंबर 2 जहाँ पर मैंने कैपेसिटर लगा रखा है, कैपेसिटर का पॉजिटिव सिरा यहाँ पर है, और अब इस दूसरे सिरे को वायर के मैं कनेक्ट करूंगा आईसी की पिन नंबर 6 पर, जो कि ये रही। तो दोस्तों इस तरह से ये सर्किट कंप्लीट हो चुका है। बहुत ही छोटा और सिंपल सर्किट है ये, और अब मैं इसे पावर देने जा रहा हूँ। दोस्तों अगर आप लोग भी इस प्रकार के सर्किट्स बनाना चाहते हैं और अगर आपको कंपोनेंट्स अवेलेबल नहीं होते हैं तो आप मुझसे संपर्क कीजिए, मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ ये परचेस करने में। तो अब मैं इसको पावर देने वाला हूँ। पावर देने के लिए मैंने ये पावर लीड ली है और इसमें ऑरेंज वायर जो कि बैटरी के पॉजिटिव सिरे से कनेक्ट होगा, इसलिए ऑरेंज वायर में आईसी की पिन नंबर 8 पर कनेक्ट कर रहा हूँ, और ये वाइट वाला सिरा जो है मैं कनेक्ट करता हूँ आईसी की पिन नंबर 1 पर, जो कि नेगेटिव सिरे की पिन रहेगी। और अब मैं इन दोनों वायर्स को बैटरी से कनेक्ट करने वाला हूँ। तो जो बैटरी मैं इसमें यूज़ करने वाला हूँ वो मोबाइल की बैटरी है और बहुत ही लो वोल्टेज की बैटरी है, 3.7 वोल्ट की, मतलब हमारा सर्किट जो है बहुत ही कम वोल्ट पर ऑपरेट होगा, इसलिए बहुत ही अच्छा है। और ये हमने कनेक्ट कर दिया, कनेक्ट करते ही देखिए लाइट किस प्रकार से ब्लिंक करने लग गई है। दोस्तों इस तरह से बहुत ही सिंपल सर्किट आप सभी बना सकते हैं, अपने साइंस प्रोजेक्ट को इससे डेकोरेट कर सकते हैं,
और विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स आप इस आईसी की मदद से बना सकते हैं। आगे मैं आपके वीडियोस में अलग अलग सर्किट्स बताऊंगा इस आईसी के और क्या क्या यूज होते हैं। तो अभी जो मैंने एक एलईडी लगाई है ब्लिंक कर रही है, इसके पैरेलल में मैंने एक और एलईडी लगा दी है, तो पैरेलल में लगाने पर एलईडी ग्लो करेगी। एक और एलईडी मैं कनेक्ट कर देता हूँ, ये देखिए कैसे ग्लो कर रही है। मैं एक और एलईडी भी इसमें कनेक्ट कर सकता हूँ। दोस्तों जो ब्लिंक करने की टाइमिंग है, हम इस टाइमिंग को भी कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर कैपेसिटर कम वैल्यू का लगाएंगे तो टाइमिंग और कम हो जाएगा, मतलब ब्लिंकिंग फास्ट हो जाएगी। तो आइए मैं आपको एक और कैपेसिटर इसमें कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। ये कैपेसिटर जो कि 220 माइक्रोफैराड्स का हमने लगाया है, अब मैं यहाँ पर दूसरा कैपेसिटर लगाने वाला हूँ। इस वैल्यू को मैं चेंज करने वाला हूँ दूसरे कैपेसिटर से। ये 220 माइक्रोफैराड का है और मैं अब यहाँ पर दूसरा कैपेसिटर लगाने वाला हूँ जो कि 100 माइक्रोफैराड का है। ये कैपेसिटर जो 100 माइक्रोफैराड्स का है, मैं यहाँ पर कनेक्ट करने वाला हूँ और आप देख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, इसकी टाइमिंग बहुत कम हो गई है और स्पीड तेज हो गई है ब्लिंकिंग की, तो ये फ्लैशिंग एलईडीज बन गई है। तो दोस्तों जानना चाहूंगा आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। प्लीज डू लाइक डू शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।